आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी। साथ ही हमने बनाया है बहुत ही स्पाइसी सा सॉस। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने सबसे पहले 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। इस तरीके से हमने आलू को मैश कर लिया है। फिर हमने इसमें डाला है बारीक कटे प्याज, साथ ही डाला है बारीक कटे शिमला मिर्च, हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स और धनिया पत्ता। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमने मिक्सचर को अच्छी तरीके से कंबाइन कर लिया है। फिर 1 चम्मच मिक्सचर लेकर इस तरीके से इसे रोल कर लेंगे। रोल करने से पहले अपनी हथेलियों को तेल से हल्का ग्रीस कर लेना है। रोल करने के बाद हमने एक आइसक्रीम स्टिक लेकर इसे लॉलीपॉप का शेप दिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से पोटैटो लॉलीपॉप तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने बाकी लॉलीपॉप्स भी तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमने बनाया है कॉर्नफ्लोर स्लरी। इसके लिए लिया है 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, नमक, चिली फ्लेक्स। इसमें थोड़ा सा पानी लेकर एक थिक स्लरी तैयार करना है। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नफ्लोर स्लरी तैयार हो गया है। इसे हमने डाला है तैयार किए हुए पोटैटो लॉलीपॉप पे। इस तरीके से इसे पूरी तरीके से डिप कर लेना है। डिप करने के बाद हमने इसे कोट किया है ब्रेड क्रम्स से। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमने ब्रेड्स को थोड़ा सा भून कर इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया और एक फाइन पाउडर टाइप का तैयार कर लिया है। फिर हमने गरम तेल में इसे छान लिया है गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। इस तरीके से फ्लेम को मीडियम टू हाई रख के इसे अच्छी तरीके से सारे तरफ से छान लेना है। ये लगभग तैयार हो गया है। ये देखिए इसका कलर कितना सुनहरा और सुंदर आया है। इसे हमने निकाल लिया है। इसे एक पेपर पे निकाले ताकि सभी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएंगे। ठीक इसी तरीके से हमने बाकी पोटैटो लॉलीपॉप्स को भी छानकर निकाल लिया है। सॉस बनाने के लिए हमने एक पैन में डाला है तेल, साथ ही डाला है अदरक लहसुन। इसे 10 से 20 सेकंड के लिए सॉटे कर लेना है। फिर हमने इसमें डाला है बारीक कटे प्याज और शिमला मिर्च। यहाँ हमने स्प्रिंग अनियन यानी सग्गा प्याज यूज़ किया है। मिक्स कर 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। फ्लेम को हाई रखें। फिर हमने इसमें डाला है नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टोमेटो सॉस, साथ ही डाला है रेड चिली सॉस और सोया सॉस। मिक्स कर 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे। ध्यान रखें कि मंचूरियन सॉस बनाने के लिए फ्लेम हमेशा ही हाई रहता है। इसी तरीके से इंडो चाइनीज डिशेस तैयार होती है। इस स्टेज पे हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर स्लरी। मिक्स कर इसे 3 मिनट तक पकने देंगे जब तक सॉस थोड़ा थिक हो जाता है। इस तरीके से ये बिल्कुल तैयार हो गया है। स्टेज पे हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसे पोर करेंगे तैयार किए हुए पोटैटो लॉलीपॉप पे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो आप भी इस क्विक वेज स्टार्टर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।